क्रिकेटर सरफराज खान के भाई मुशीर खान का कार एक्सीडेंट हो गया है। मुशीर खान अपने पिता नौशाद खान के साथ आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे थे, उसी बीच उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस एक्सीडेंट की वजह से मुशीर खान की गर्दन में फ्रैक्चर आ गया है, अभी उनकी हालात ठीक है। इस चोट के कारण मुशीर खान कम से कम 3 महीने क्रिकेट से दूर रह सकते हैं। मुशीर खान अभी ईरानी कप का हिस्सा थे, लेकिन इस चोट के कारण मुशीर अब ईरानी कप और 11 अक्टूबर से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी 2024-25 सेशन के लिए मुंबई के मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मुशीर खान की चोट को लेकर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से भी बयान आया है, जिसमें एसोसिएशन ने कहा है कि मुशीर की हालत अभी ठीक है और वो पूरी तरह से होश में है। उनकी गर्दन में फ्रैक्चर हो गया है, BCCI और MCA की मेडिकल टीम उनकी लगातार जाँच कर रही है और जैसे ही उनकी हालत ठीक हो जाती है तो उनको इलाज के लिए मुंबई लाया जाएगा। मुशीर खान पिछले कुछ समय से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने बल्ले से धमाकेदार पारियां खेल रहे थे। खास तौर पर रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंने शानदार बैटिंग की थी और हाल ही में खत्म हुए दिलीप ट्रॉफी में मुशीर ने दमदार बैटिंग करते हुए इंडिया ए के लिए 181 रनों की धमाकेदार पारी भी खेली थी। मुशीर 9 फर्स्ट क्लास मैचों में 51.14 के औसत से 716 रन बना चुके हैं, जिसमें 3 शतक और 1 50 भी शामिल है।